हेलो गाइस, माय नेम इज़ राहुल कुंतल एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंड लवर्स स्पोर्ट्स मोटिवेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर डिस्कस थ्रो सेक्टर मार्किंग प्लान। तो डिस्कस थ्रो के सेक्टर का हम मार्किंग प्लान बनाएंगे, फिर उसके बाद उसे ग्राउंड पर मार्क करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस थ्रो के बारे में जान लेते हैं, उसका सेक्टर होता कैसा है। ये डिस्कस थ्रो का सेक्टर है, इसका जो सर्कल का जो रेडियस होता है वो 1.25 मीटर और डायमीटर 2.50 मीटर होता है। और जो विंग जो एंगल होता है विंग्स का, ये 34.92 डिग्रीज होता है। और जो ये साइड लाइंस होती हैं इसमें, ये 75 सेंटीमीटर होती हैं। इन लाइंस का जो यूज़ होता है वो ये होता है कि अगर कोई प्लेयर डिस्कस फेंक कर वापस सेक्टर छोड़ता है तो वो इन लाइंस के पीछे से ही छोड़ेगा, अगर आगे से निकल जाएगा तो वो फाउल होगा और वो गिना नहीं जाएगा। तो इसलिए ये वो इन लाइंस का यूज़ होता है। तो अभी हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करते हैं, इसका मार्किंग प्लान कि कैसे इसको ग्राउंड पर मार्क करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक 1.25 मीटर की रेडियस लेकर एक सर्कल मार्क करेंगे। ये हमने रेडियस ली, ये हमने एक सर्कल मार्क किया 1.25 मीटर्स की रेडियस के साथ। इसके बाद जो हमारा अगला काम होगा इसमें वो होगा यहाँ पर विंग्स बनाने का। अब ये जो साइड लाइंस होती हैं ये हमें कैसे मार्क करनी है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक 38.158 मीटर्स की स्ट्रेट लाइन लेंगे जो कि सेंटर से होगी। ये लाइन हम डॉटेड रखते हैं क्योंकि ये ग्राउंड की मार्किंग का हिस्सा नहीं है, इसे हमें मार्क नहीं करना है। ये केवल एक इमेजिनरी लाइन होगी, हम इसमें यहाँ पर एक नेल पॉइंट कर देंगे यहाँ पर, और इस लाइन को चूने या किसी भी मार्किंग करने वाली चीज़ से मार्क नहीं करना है। इसके बाद ये हमारे यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 38.158 मीटर्स पर एंड पॉइंट होगा। इसके बाद जो हमें अगला काम करना है वो है हम यहाँ पर इधर से एक 12 मीटर्स का आर्क लगाएंगे इधर, ये हमने यहाँ से 12 मीटर का एक आर्क लगाया। इसके बाद जो हम सेंटर पॉइंट से सेम इस वाली आर्क के पास 40 मीटर्स का आर्क लगाएंगे। और जहाँ पर ये आर्क इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। और इसे हम मार्क कर लेंगे। सेम प्रोसीजर हमें दूसरी तरफ करना है, 12 मीटर्स का एक आर्क लगाएंगे पहले, आर्क लगाएंगे 40 मीटर्स का सेम तरह। और जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उस लाइन को हम मिला देंगे। अब ये जो हमारा एंगल निकल के आएगा वो एग्जैक्ट 34.92 डिग्रीज होगा। जो हमारा अगला काम है वो साइड लाइन मार्क करने का है। तो ये लाइन मार्क करने के लिए हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना होगा। और जो पाइथागोरस थ्योरम है वो यहाँ पर यूज़ इस प्रकार होगी, यहाँ से हम 4 मीटर इधर लेंगे, 3 मीटर इधर और 5 मीटर इधर। सेम प्रोसीजर हमें दूसरी तरफ करना है, 4 मीटर्स, 3 मीटर, 5 मीटर। अब यहाँ पर हमें जितनी ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है यहाँ पर 75 सेंटीमीटर्स की, तो बाकी का हिस्सा हम यहाँ पर इरेज कर देंगे और 75 सेंटीमीटर्स अपने पास रखेंगे।
तो ये हमारा डिस्कस थ्रो सेक्टर बनकर हो गया तैयार। ये हमारे डिस्कस का मार्किंग प्लान था। अब हम इसको ग्राउंड पर मार्क करेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आपको किसी ग्राउंड की मार्किंग जाननी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसे हम उसे ग्राउंड पर मार्क करके आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।